इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम, मैं हूं कामरान शाहिद। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान में बम धमाका हुआ एक दफ़ा फिर। खैर पख्तूनख्वा के लोग जो है विक्टिम बने, 18 ज़्यादा शहादतें हैं आम पाकिस्तानियों की, सिविलियंस की, और उसकी जिम्मेदारी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है, जिसके दफ्तर खोलने का इंडिकेशन इमरान खान साहब ने आज से एक रोज़ पहले दिया। बात करेंगे इस अहम तरीन मौजू के ऊपर आज के हमारे गेस्ट बहुत खास है शेख रशीद साहब। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, दहशतगर्दी से लेकर एपीसी तक और एपीसी से लेकर डॉलर तक और पाकिस्तान इंडिया तालुकात पर दो और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं व्यूअर्स। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान के जो आलीशान अंपायर हैं रऊफ साहब, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम है मैच फिक्सिंग का असद रऊफ के ऊपर, उन्होंने एक बड़ी आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट दी है। उनसे कुछ तोहफे पकड़े गए थे, पुलिस ने पकड़े इंडिया की, और उन पर इल्ज़ाम लगा कि मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं सट्टे के अंदर। उन्होंने आज एक आलीशान बयान दिया, उन्होंने कहा जी अंपायर्स के लिए तोहफे लेना जो है वो एशियाई कल्चर का हिस्सा है। आप कमेंट कीजिए इस पर कि क्या एक अंपायर, एक जज, एक न्यूट्रल इंसान के लिए तोहफे लेना जो है किसी भी जगह से अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहा हो तो क्या ये एशियाई कल्चर का हिस्सा हो सकता है, या ये एक बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है। इस पर बात आप इस पर छोड़े जा रहा हूँ, और उससे बढ़कर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास कि पाकिस्तान के जो नए सदर हैं ममनून हुसैन साहब, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दी आज। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वादा तो किया था कशकोल तोड़ेंगे, लेकिन कशकोल हुकूमत के हाथ में है। इसके बाद बड़ा प्रोटेस्ट है आई थिंक इनर सर्कल में उनकी पार्टी के शायद हो, और उस पर बात करेंगे कि उनकी ये जो बोल्डनेस है किस हद तक सच्चाई से करीब है, और बात करेंगे शेख रशीद साहब से इन तमाम मामलों पर। शेख साहब बहुत वार्म वेलकम आपको करता हूँ मैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। आज जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इससे पहले गिरजाघर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मुल्ला ब्रादर की रिहाई हुई, ये सारा मामला शुरू अगर करें एपीसी से, तो एपीसी जो तमाम पार्टीज में शामिल थी, लगभग कुछ नहीं थी, आप उसमें नहीं थे, तो आपके ख्याल में जो ये एपीसी ने मैंडेट दिया था, इस मैंडेट में कोई डिफेक्ट है, हुकूमत की विजन कन्फ्यूज है, या ये एपीसी गलत हुई है तालिबान के साथ मुज़ाकरात की? मैं आज आपके प्रोग्राम पे ये कहना चाहता हूं कि एपीसी खत्म हो चुकी है। एपीसी नाम का कोई एजेंडा आज नवाज शरीफ साहब ने जो वॉल स्ट्रीट में बयान दिया है वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। और जो तालिबान साहब ने ये कहा है, तालिबान वालों ने, कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम ये बात नहीं हो सकती, अगर पिछली एपीसी दिखाएं, शुक्र है खुदा का इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वरना वहाँ मैं ज़रूर मुँह फट आदमी हूँ, और इसी खौफ से इन्होंने नहीं बुलाया, इसी डर से इन्होंने नहीं बुलाया, और एक मुझे इन्होंने मार सिंगल मार किया उस एपीसी से बाहर। हालांकि पिछली दोनों एपीसी और मौलाना फजल रहमान की मिला के तीनों एपीसी में मैं शामिल था। अब क्या होने जा रहा है जी, मुझे बताएं, मुझे कोई शख्स ऐसा बताए कि इस मुल्क में कौन है जो इस मुल्क को मसाइल से निकालेगा, और जहाज जो है टाइटैनिक जो है वो डूबने जा रहा है, और कप्तान जो है जहाज का वो अजीब सूरत हाल से है, अजीब सूरत हाल से दो चार हैं किसी चीज की। मैंने आज कौमी असेंबली में कहा कि अगर स्पीकर साहब, मैं आपका एहतराम करता हूं, अगर यही सूरत हाल रही इस डिबेटिंग क्लब की तो मैं अपना वक्त नहीं जाया करना चाहता। कौम किस इशू पे जा रही है, और ये ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को किस तरफ लगा रहे हैं? किसी ने सोचा है कि पहली एपीसी में फिर भी मैकेनिज्म था, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं, ये सारे तैयार बैठे हुए थे कंपनी की मशहूरी के लिए, ये कंपनी की मशहूरी के लिए जी शेख साहब। लेकिन वो ये भी तो कहेंगे ना कि इससे पहले जितनी एपीसी हुई मुशर्रफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में, उन्होंने कौन सा तीर मार लिया जो ये एपीसी नहीं मार सक रही? उस वक्त भी हालात यही थे, मुजाकरात होते थे, ड्रोन गिरता था, बात आगे नहीं चलती थी पिछली दो हुकूमतों भी, तो ये हुकूमत भी उसी तसलसल है ना, उसी प्रॉब्लम मसाइल का, कि बात तालिबान में किससे की जाए, इतने ग्रुप्स हैं। शेख साहब आप क्या मशवरा देते एपीसी में अगर आप होते तो? ये सारी बातें अगर मुझे बुलाते तो मैं मशवरा देता, मैं मुफ्त मशवरा देने वालों में से नहीं हूं। ये भी कोई बात नहीं है कि तालिबान किसी के कहे में नहीं है, उनको भी सारी सूरत हाल पे उनकी भी पूरी स्टडी है, उनकी भी सारी सूरत हाल पे नजर है, और जो सूरत हाल बनने जा रही है उसमें तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि खुदा न खास्ता इस कौम की फिक्र होनी चाहिए हुक्मरानों को। ये नहीं है कि दो दिन लाहौर में, एक दिन मरी में, तीन दिन न्यूयॉर्क में, चार दिन चीन में, बाबा आग अपने घर में लगी है, यहां इंजन ड्राइवर की जरूरत है, यहां जरूरत है, और क्या हुआ है वहां? आप ये 23 अक्टूबर जाएंगे, वो फैसले होंगे जी वहां जाके। मनमोहन सिंह के साथ बहुत अच्छी मुलाकात की, बातें बड़ी, कुछ नहीं निकलना। मनमोहन सिंह के कितने हैं, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, 5 महीने से चलो 6 महीने हैं, वो टेल है उसकी हुक्मरानी का, और वहां इलेक्शन जो है सारा पाकिस्तान इश्यूज पर मुखालिफ पार्टियां लड़ रही हैं,
और मनमोहन सिंह एक मेहमान अदाकार हैं, उनका कोई रोल नहीं है। एक फोटो सेशन होने जा रहा है और 3 दिन पहले पानी पे मुज़ाकरात होंगे जो हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। और जो हालात हैं, जो इस मुल्क में हालात पैदा किए जा रहे हैं, हमें, हम तो उनसे लेने की पोजीशन में नहीं है, देने की पोजीशन में है। और ये जुमा बाजार लगा है यूनाइटेड नेशन में, 65 सालों में 64 सालों में इस यूनाइटेड नेशन ने क्या किया जी, जिसके अक्सर मुल्क फीस भी नहीं दे सकते, अमरीका देता है। बहुत अच्छी बात है, हमें अकवाम में जाना चाहिए, हमें वजीर खारजा का भी रोल खुद अदा करना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर का भी, CDA का भी, क्या करेंगे हम? शेख साहब एक बात बताइए, मुल्क की तबाही। जी जी जी, कंप्लीट कर। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 बजे खिताब करेंगे जनरल असेंबली से नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली आपके मेरे प्राइम मिनिस्टर है, आप बींग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, MNA ऑफ पाकिस्तान, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें बेसिकली कहना क्या डिलीवर करना चाहिए मैसेज अमेरिका को, वर्ल्ड को, वॉर ऑन टेरर के ऊपर, तालिबान को क्या मैसेज देना चाहिए शेख साहब? मैं समझता हूं कि उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो हाथ आसमान पे भी लगाना चाहते हैं और पांव जमीन पे भी रखना चाहते हैं। जिस सियासतदान की वीएन ना हो और जो सियासतदान जुर्रत से हालात का मुकाबला ना कर सकता हो और जो सियासतदान एक पूरा एजेंडा, इनका एजेंडा क्या है जी, वहां से बैठ के स्टेट बैंक को फोन किया कि डॉलर नीचे करो। बाबा डॉलर तो खरीद स्टेट बैंक रहा था, IMF के साथ आपने जो बकवास किया, जो IMF के साथ आपने तबाही की है इस कौम की, कौन खरीदेगा इस मुल्क में ये ऑयल, पेट्रोल, आटा कौन खरीदेगा, बिजली के? मैं 4 महीने से रो रहा हूं, कौम मेरी बात याद रखे। फिर ये कहती है कि शेख रशीद ठीक कहता था, वक्त पे नहीं सोचते। और मेरा एक बड़ा पिटा हुआ जुमला है कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर्स, और आप ट्रेनें मिस कर रहे हैं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ये सारा डॉलर तो IMF ने कहा कि आप अपने रिजर्व बढ़ाएं, रिजर्व कहां से बढ़ाते? कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से? कोई पूछने वाला है इस कौम के किसी हलके में कि खुदा के बंदो 20 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट बिग जीरो है, बिग जीरो है। और आप जो ऑयल की प्राइस इस डॉलर के बाद, और वहां वजीर कहता है जी इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, ओ अल्लाह के बंदे, जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर कितनी रहे हैं और इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं। यानी कौम को बेवकूफ समझ लिया गया है कि जब ये जाएंगे, ये जब केमिकल चीनी के लेंगे, जब ऑडेबल ऑयल घी का तेल इंपोर्ट करेंगे, जब ये पाकिस्तान में आटे की फ्लोरिंग करेंगे, जब ये ऑयल की प्राइस देंगे, लोग झोलियां उठा के दुआ मांगेंगे, या अल्लाह हम लोड शेडिंग में रह सकते हैं, इतनी महंगी बिजली नहीं चाहिए। ये बिल लोगों के गले पड़ने जा रहा है। और इनको, क्योंकि अपोजिशन कोई नहीं है जी असेंबली के अंदर, आज मैंने तंग आके स्पीकर साहब को कहा कि जनाब स्पीकर, अगर ये आलम है कि मेरे बोलने पर सारी दुनिया को इख्तलाफ है, सारी दुनिया को इस बात पे असेंबली के अंदर शिकवा, और खाली है गैलरियां, कोई लोगों की दिलचस्पी नहीं है, कोई वजीर नहीं आ रहा। 100 दिन में आप स्टडी करें, और ये आपका काम है कि कितने वजीरों ने पार्टिसिपेट किया है। और हालत यह है कि बलूचिस्तान में TV के जितनी गई हैं टीमें, वो कह रही हैं, लोग रो रहे हैं कि टेंट नहीं है, आटा नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, और कंपनी की मशहूरी के लिए यहां आके जनाब लगे हुए हैं लोग कि हम, हमारी जिद्दोजहद देखें, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। टोटली फेलियर हो चुका है इस गवर्नमेंट। शेख साहब, ये डॉलर्स जो डॉलर, मैं ये जी जी कंप्लीट कर लें जी। देखें जी, डॉलर के लिए मैं आपसे अर्ज करूं, इन्होंने डीवैल्यू करने का, इन्होंने रिजर्व बढ़ाने का, इन्होंने इंडिया को MFN मोस्ट फेवरेट नेशन करार देने की कमिटमेंट की है। आप वेबसाइट पे चले जाएं, मुझे तो नहीं देखनी आती, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं मुझे बताते हैं कि वेबसाइट पे है कि इन्होंने IMF के कर्जे में शामिल है, जिस कौम की गैरत को इतना मार दिया जाए, जिस कौम की गैरत इतनी नीची कर दी जाए, उसको उस किनारे पर लगा दिया जाए कि हमारे बॉर्डर्स पे जो मर्जी करें, हमारे लोगों के साथ जो मर्जी करें, हमने उसको मोस्ट फेवरेट नेशन करार देना है। और हमने वाघा बॉर्डर 8-9 बजे तक खोल दिया है, हमारा माल जाए तो वाघा से वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो उसकी क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है जी, उसको वो क्लियर नहीं करता। और हमारी तरफ से जिप्सम, ये जो सीमेंट बनाने का मसला है, इसके अलावा कोई चीज नहीं जा रही। क्या जा रहा है जी, मुझे बताएं क्या वैल्यू है हमारी, क्या हमारा बिजनेस का तवाजन मौजूद है इंडिया के साथ, और एक ऐसे इंडिया के साथ, एक ऐसे इंडिया के साथ जहां का आप मीडिया देखें वो आग उगल रहा है। यहां हम अमन की आशा, अमन की आशा, अमन की आशा। कौमें तब जिंदा जाती हैं जब गैरत से जिंदा रहें, बेशक जंग की भाषा में क्यों ना बदल जाएं।
जब कौम का मोराल इतना डाउन कर दिया जाए और ये तासर दे दिया जाए कि हमारी कोई कौमी हैसियत नहीं है। जहां वो गए हैं क्या लोग पूछते नहीं होंगे यार क्रिश्चियन के साथ जो हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा शेख साहब एक बात बताएं, अब इंडिया का आपने जो बात की, अब इंडिया वाले जो है वो भी क्या करें, अब उनके जो कश्मीर जिसपे उनका होल्ड है वहां पर उनके लोगों में फायरिंग हो रही है, उनके लोग मारे जा रहे हैं, वो LOC में कहते हैं हमारे 5 फौजियों को मार दिया गया है, तो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पे भी तो बड़ा प्रेशर है ना पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने का। जी कश्मीरियों पे जुल्म हो, कश्मीर जिसको हम कहते थे हमारी शारक से अजीज है, वहां पे लोगों की और औरतों की इज्जतें और असमतें लूटी जाए, हमारी मुसलमान बहनों और बेटियों की और इज्तमाई कब्रें निकले सैकड़ों की तादाद में, वो जुल्म नहीं नजर आता मीडिया को? और अगर उसके रिएक्शन में कुछ मुजाहिदीन कार्रवाई करते हैं तो वो आपको जुल्म दिखाई देता है, वो आपको जंगजू दिखाई देते हैं, वो आपको सारे कश्मीर में अगर जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर है, क्या कौम भूल गई है कि मशरकी पाकिस्तान में इतनी बुरी सूरत हाल थी? क्या जो कश्मीर में 6 लाख फौज उन्होंने छोड़ी हुई है, जो चीर फाड़ रहे हैं मुसलमानों को, नौजवानों को गोलियों की भेंट चढ़ा रहे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है? और मक्तीबानी किसने बनाई थी बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में, कल के? तो एक बात बताइए, अभी जब प्राइम मिनिस्टर से जी मुक्तीबानी पे आप हैं, बताइए बताइए कंप्लीट कर लें जी। देखें इंडियन में बुक्स आ चुकी है जर्नैलों की कि हमने मुक्तीबानी बनाई, हमने क्या हाल है आज नेपाल का, क्या प्रॉक्सी वॉर कर दी है बांग्लादेश की। एक पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा है, पाकिस्तान को अंदर से ये कामरा पे हमला, अब एक्स तैयारे तालिबान की जरूरत थे जी, ये कराची पे हमला जो उनके जहाज थे वो तालिबान के लिए वो रुकावट थी। एक मुसलसल कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने के लिए, और जब कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है उस वक्त हम ऐसे पैगाम, कोई इस पाकिस्तान में मुस्तकबिल के लिए कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पानियों को तुम रोक कर हमें क्या बंजर हमें भूखा मारना चाहते हो, हम खैरात लेकर जाएं आपकी तरफ? और जो अकल के अंधे ये सोच रहे हैं कि हमारे पानी बंद करने से दुनिया में आखिरी जंगे पानियों की होनी है, अगर कोई अकल का अंधा ये सोच रहा है कि हमारे पानियों पे बंद बनते रहें और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि आए जनाब हम तरस रहे हैं कि हमने हलफ उठाना है आप तशरीफ लाएं, हम मरे जा रहे हैं कि आपके आए बगैर हमारा आइन जो है वो खुदा ना खास्ता उसमें हलफ नहीं उठाया जा सकता, तो फिर मैं इस पर क्या बयान? राइट, तो शेख साहब अब जो नाश्ता मनमोहन सिंह को दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि मनमोहन सिंह जो है वो ऑब्वियसली अपनी लिस्ट पेश करेंगे मुबैना दहशत गर्दों की जो पाकिस्तान में हाफिज सईद समेत मुबैना, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना चाहिए फिर उनको इन मामलों को किस तरह टैकल करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ? खुद मनमोहन सिंह शर्मुल शेख में बलूचिस्तान की सूरत हाल एक्सेप्ट कर चुके हैं जी। शर्मुल शेख साहब, शर्मुल शेख में जब मनमोहन सिंह को वो बात बताया गया कि जनाब आपका ये रोल है बलूचिस्तान में, उन्होंने कहा हम इसको देखेंगे। हमारा क्या रोल है, हम तो अपनी आग में खुद जल रहे हैं। अगर कोई कश्मीरी मुजाहिदीन कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तानी फौज का क्या बेचारों का मसला है? पाकिस्तानी फौज तो देखें, पाकिस्तानी फौज ने कश्मीरियों की इस तरफ से दखल अंदाजी को रोकने के लिए सारा मुल्क आग और खून में मुब्तला कर लिया और लोगों को यहां से नहीं जाने दिया गया। ये सारे लोग अलियास कश्मीरी से लेकर दूसरे लोगों तक जो कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी में शामिल थे, वो जब यहां आए इनके रास्ते रोक दिए गए, जब वहां उनके बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उन्होंने रिएक्शन में, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ कि वो मुजाहिदीन जो कश्मीर की जद्दोजहद आजादी में जंग में शरीक थे उनका रास्ता रोका गया, उनके लिए जिंदगी हराम कर दी गई, उनके लिए बॉर्डर क्लोज कर दिए गए, उनका असर ये निकला कि वो शमाली वजीरिस्तान में चले गए और वो दूसरे लोगों के साथ मिल गए और वो फौज के साथ लड़ना शुरू हो गए। किसी ने दूर की नहीं सोची कि ये मुल्क कहाँ चला जाएगा हालात, और आज हालात यहाँ हैं कि इस्लामाबाद में पेनिट्रेशन है जनाब, आपके टॉयस के जहाज पकड़े जा रहे हैं, आपके गाइडेड असम्बलियों पर हमले के केसेस पकड़े जा रहे हैं, और ऐसे केसेस पकड़े जा रहे हैं कि एक दफ़ा खुदा न खास्ता अगर उस पर अमल दरामद हो जाए तो मुझे तो डर है कि कोई बड़ा हादसा इस मुल्क की सारी सूरत हाल को बदल सकता है। कोई बड़ा हादसा, देखें अगर रायवंड से असला पकड़ा जाता है तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हम ये तो नहीं चाहते कि लोगों की, ठीक है आप ये बजा फरमा रहे हैं, लेकिन शेख साहब ये बताइए ना कि अब प्रॉब्लम ये है कि आपका इस पे, आप एक पार्टी के सरबरा हैं और ऑब्वियसली आपकी अपनी एक फॉलोशिप है, आपसे अगर मैं पूछूं, इमरान खान साहब की एक अपना राय है, वो तो कहते हैं तालिबान के साथ दफ्तर खोल के मुजाकरात करें, APC ने भी गवर्नमेंट को मैंडेट दिया,
उसके बाद आर्मी चीफ जो है उनका बयान जरा उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आता है। वो उनको लगता ऐसे उनके बयान से आर्मी चीफ के कि वो आजमा चुके हैं, मुज़ाकरात को देख चुके हैं और ये जंग जो है ये शायद मुज़ाकरात में खत्म ना हो। ये मेरी परसेप्शन है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप एज अ पार्टी सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के आप किस तरह देखते हैं तालिबान से मुज़ाकरात अब किए जाने के इम्कान किस हद तक अभी भी हैं और कितने जरूरी हैं और किन शरायत पे हों? उन्होंने बंदूक उठाई हुई और बारूद से उड़ा रहे जर्नैलों को, पाकिस्तान आर्मी के और लोगों को, मुज़ाकरात कैसे हों शेख साहब उनसे? आपने काफी सारे सवाल एक सवाल के पैकेज पूरे में मुझे दिए। किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए बहुत मुश्किल है कि उसका एक नौजवान जवान जर्नैल शहीद हो और तीन जर्नैल शहीद हो चुके हैं और एक ऐसे बेग साहब यहाँ एक फकीर ने खुद कुछ हमले में लेफ्टिनेंट जनरल को शहीद किया, जो मैं समझता हूँ कि जिनकी वैसे तो सारी फौज की अजमत को सलाम किया जाता है पर उनका जो हुस्ने किरदार था बतौर डॉक्टर लोग उनको फरिश्ता समझते थे और जो उनका तबलीगी जमात के साथ एक असर रसूख था लोग उनको वली समझते थे। और किसी चीफ के लिए मुमकिन है कि उसके जर्नैल जो हैं उसके जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं? वो जमहूरियत के लिए तो बहुत कुछ बात कहते होंगे और वो कहेंगे, उनकी ये भी मजबूरी है कि वो इस जमहूरियत के लिए चाहे जैसी हो जैसी हो जैसी ना हो जिसकी कारकर्दगी सिफर हो उसके साथ खड़े हों। बट हार्ड फैक्ट इज़ दिस कि एक बहुत मुश्किल काम है जिसे वो नबरू आजमा हो रहे हैं। और सेकेंडली आपने कहा क्या तालिबान ने जो आज शरायत दी हैं, जो पिछली एपीसी में बहुत सारे मैकेनिज्म कुछ ना कुछ बात थी जी। ये तो लेटे हुए लोगों का जुमा बाजार था और मैंने स्टार्ट में कह दिया कि इस एपीसी की सूरत हाल बदल चुकी है और नवाज शरीफ साहब के आज वॉल स्ट्रीट के बयान के बाद तो आप कल परसों सुन लेंगे कि तालिबान कहेंगे सलाम अलैकुम जनाब, सलाम अलैकुम। आज जो वॉल स्ट्रीट का बयान आया नवाज शरीफ साहब का वो वाजे इशारा है कि अब वो एपीसी जो लेटी हुई एपीसी थी वो उसके लिए बड़ी मुश्किलात है और जिन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया था जो लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें कोई हल तलाश निकलेगा। पहले मुजाकरात जब हुए जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सफदर ने मुजाकरात तो कई इनसे मुआहदे हुए होंगे, ठीक है कई मुआहदे हुए होंगे हैं भी हैं, और जब नेक मोहम्मद और जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सफदर कोर कमांडर पेशावर ने किए और जब नेक मोहम्मद घर आए तो वो इस दुनिया में ना रहे, जहां भाग हो गए। तो मैंने उसी वक्त उस गवर्नमेंट में ये कहा था कि भाई ये बातें आप संजीदगी से लें, किसी को संजीदगी से मुझे बताएं इन्होंने एपीसी के मुज़ाकरात के लिए कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, कोई किसी आदमी को इख्तियार दिया जी? कोई थर्ड चैनल, जो इन्होंने थर्ड चैनल कहा है, तालिबान ने कहा हमारा ना उनसे राबता है ना हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कतर तक गए, मुझे खुद बहुत बड़े मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि उन्होंने उनसे मुलाकात ही नहीं की। देखे ना एक बहुत बड़ा मजहबी लीडर है मौलाना, मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात उनसे और एपीसी देखें इन्होंने इस मुल्क में सिर्फ एक तालिबान ही मसला नहीं है जी, जी अहले तशी को उसमें नहीं बुलाया गया, क्या इमाम बारगाहों में नहीं हो रहे, क्या इमाम बारगाहें जो है वो दहशतगर्दी की भेंट नहीं चढ़ रही? इन्होंने और सुन्नी तहरीक और दूसरे लोगों को अहले सुन्नत नहीं बुलाया इस मुल्क में, इन्होंने उन लोगों को बुलाया, इन्होंने कहा एक एक सीट मेरी तरह, ठीक है अवामी मुस्लिम लीग की एक सीट है लेकिन एक सीट 400 सीटों पर भारी है, एक सीट 400 सीटों पर भारी है। और मैंने कौम से कहा है कि मैं मर जाऊंगा असेंबली के अंदर और बाहर हक की बात करूंगा, मेरी सिर्फ यही कमिटमेंट है, ना दे एक रुपया भी मेरे शहर को तरक्याती कामों का, सब ले जाएं लाहौर, सब लगा लें लाहौर। बिल आखिर अगर ये समझ रहे हैं कि ये कौम गुलाम हो गई है, हम मजारे हो गए हैं, हम मशक्ति हो गए हैं इनके, हमने ये फैसला कर लिया कि हमने खानदानों की गुलामी करनी है, तो ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ये बात ज्यादा देर तक नहीं चढ़ेगी। और जब खुद तो जा रहे हैं अपनी आइंदा नस्ल को भी हमारी हुक्मरान में गुलाम के ये गुलामों की 19 करोड़ गुलाम है ये आपको हम दे रहे हैं विरासत में, हम और तो कुछ नहीं दे सके, हम कोई कारखाने नहीं छोड़ के गए, हम इंडस्ट्रियां नहीं छोड़ के गए, हम महल नहीं छोड़ के गए, ये 19 करोड़ गुलाम आपको दे के जा रहे हैं, इन गुलाम के सरों पर गुजर जाओ, मर जाए ये लोग, कोई फिक्र ना हो कि ये कर्जे की नोयत। मैं आज आपके प्रोग्राम में मुतालबा करता हूं नवाज शरीफ साहब से कि वजीर खजाना से ये महकमा ले लिया जाए वरना इस मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, इस मुल्क में गली गली में क्राइम होगा, इस मुल्क में हर आदमी ये चाहता है कि उसके बच्चों की फीस दी जाए, डॉलर 110 और 12 पे जिन लोगों के सफेद पोशों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो फीस देंगे, पेट्रोल लेंगे, बिजली का बिल देंगे, मकान का किराया देंगे,
सारे ही तो साहब जदाद नहीं पैदा होते। राइट, लीडर वो होता है जो छोटे तबके। ये आपका पॉइंट आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, और ऑब्वियसली आपका एक राय है, लेकिन ऑब्वियसली जिन गुलामों की आप बात कर रहे हैं ये वोटर्स हैं जिनको इलेक्ट करते हैं। बड़े अहम तरीन सवाल है शेख रशीद साहब आपके लिए जो मैंने रखने हैं। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल के इंटरव्यू का जिक्र हुआ, इंटरव्यू का, तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने क्यानी साहब के एक्सटेंशन पर भी जो है बड़ी मुहिम सी बात की है, इस पर बात करेंगे। नैब का चेयर अब तक नहीं लगा, बहुत से महकमे पाकिस्तान के बगैर सरबराह के चल रहे हैं, इसके पीछे मंतक क्या, इस पर बात करेंगे। और मैं जब ब्रेक में जा रहा हूँ व्यूज़, तो आपके लिए एक चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, कल का प्रोग्राम एक्सक्लूसिव है, उर्दू के बहुत बड़े शायर गुलजार साहब के साथ इंटरव्यू एक्सक्लूसिव, उसकी झलक देखिए। ब्रेक से वापस शेख रशीद साहब के साथ। मिलिए गुलजार से कामरान शाहिद के साथ हफ्ता रात 8:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम बैक। हुकूमत को 100 दिन हो चुका है, लेकिन जो अहम तरीन इदारे हैं जिन पे अभी तकर्री जिनके सरबराहों की नहीं हुई, मेरे सामने उनकी लिस्ट पड़ी हुई है, और हैरान कुन बात है, पाकिस्तान टेलीकमीशन कमीशन अथॉरिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेप्रा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नैब पाकिस्तान, स्टील मिल PIA और वजारत खारजा वजारत दफा भी जो है हम जानते हैं कि मशीनों के जरिए चल रही है, वफाकी वजीर कोई नहीं है। शेख साहब, ये तो हुकूमत 100 दिन तक डिसाइड नहीं कर सकी, खासतौर पे नैब का सरबराह लगाया अब तक, उसमें क्या हिच है? खान साहब ने नहीं लगाया या मियां साहब ने नहीं लगाया? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं लगाया उन्होंने, मतलब हुकूमत ने नहीं लगाया। देखें, ये मिले हुए हैं आपस में, ये मिले हुए हैं। नवाज शरीफ साहब के भी अरेबिया और दूसरे 11 केसेस हाईकोर्ट से 13 केसेस के स्टे हैं जी। ये भी बहुत सारे लोग अंदर हो जाएंगे। 10 करोड़ रुपया आया बैंक में जी, पता ही नहीं लगा कौन डाल गया। यार क्या मजाक है इस मुल्क में। नैब का चेयरमैन चीफ जस्टिस साहब को लगाना चाहिए, वरना ये सारे लोग चोर और चौकीदार मिल जाएंगे। और वाजिद शमसुल हसन को नहीं उठाया? आप तो सारी बातें छोड़ें, जो सारा स्विस बैंकों का केस वहां से लेके जा रहा और सारे पाकिस्तान के टीवी पे लगा कि वो लोडर बना हुआ है। एक ऐसा एम्बेसडर ब्रिटिश हाई कमीशन में लगाया पाकिस्तान ने, जो लोडर है आसफ जरदारी के, सारे चोरी के केसों को लेके जा रहा है, सारे टीवी चैनलों में उसकी एक्सक्लूसिव फिल्में चली हैं कि डब्बे के डब्बे लेके जा रहा है केसेस के। जनाब, इस मुल्क में इन्होंने समझ लिया है कि ये मुर्दा लोग हैं, ये बेहिस लोग हैं, इन लोगों की कोई सोच नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई इनका मसला नहीं है। इनको जितनी जूतियां मार सकते हैं मारें। 14-15 एम्बेसियां खाली हैं, 14-15 एम्बेसीज, 14-15 एम्बेसीज। अगर आप, मैं आपका वक्त, एक तो हमारी, मेरा जिस दिन प्रोग्राम होता है आप इश्तहार भी ज्यादा ले लेते हैं और मेरे मेरी सोच भी कमर्शियल ज्यादा आ जाते हैं जी। अच्छा जी, चलें देखें, 15 एम्बेसीज खाली हैं, आपने इतने लोग अदारों के नाम लिए हैं, ये अदारे इनके गले पड़ने वाले हैं। ठीक है, ये अदारे इनके गले पड़ने वाले हैं। और ये 18वीं तरमीम, जब मैंने ये बात कही थी कि ये दांतों से ये गांठे खोलेंगे, सूबों के पास इतना इतना पैसा है, मरकज डूब रहा है, एक हमने मरकज का हॉस्पिटल बनाया 410 बेडों का, आप उसके लिए पैसा नहीं देना चाहते, उसके लिए कहते हैं जनाब आज करते हैं कल करते हैं। जो रफाए आमा का मसला है उसकी सूरत हाल इतनी खराब है, 20 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार चाहिए, और हालत यह है कि ये कहा जी कि मैं चीन गया हुआ था पीछे से कि 20 अरब रुपया ये जो, लेकिन मियां साहब ने यूथ पैकेज का ऐलान तो किया है। शेख रशीद साहब इतने आसान कर्जे भी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, दोबारा यूथ पैकेज का ऐलान तो किया उन्होंने भी कौम से खिताब करते हुए लास्ट वीक। बहुत सारे ऐलान किए हैं जी उन्होंने जी, बहुत सारे, बहुत अच्छी बात है। यूथ को कुछ मिले, यूथ को रोजगार ना मिले, फॉरन इन्वेस्टमेंट ना आई, तो ये यूथ भी गले पड़ेगी। आप अगर मेंबर हो कौमी असेंबली के, आपको पता लगे कि लाल हवेली के दरवाजे किस तरह लोग तोड़ रहे हैं, रोजगार चाहिए जी, कहां से लाएं वो लोग? बेचारे मां बाप ने इतनी मुश्किल से अपनी नस्लों को पढ़ाया है,
कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, कोई अदारा चले, एक स्टॉक एक्सचेंज रोज दिखाते हैं, रोज दिखाते हैं, वो भी 90 के जाविये से जाएगी एक रोज। क्या किया मुझे आप ये बताएं, कोई एक महकमा बताएं। आज मैंने कौमी असेंबली में स्पीकर साहब ने रूलिंग दिया कि दो दो सालों का वो ऑडिट कराएंगे। जो असेंबली अपनी डिस्पेंसरी की करप्शन नहीं रोक सकी वो मुल्क से करप्शन खत्म करेगी आपकी। लेकिन शेख साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल से आपने खुद ही बात शुरू की, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बहुत और अहम स्टेटमेंट, अभी मुझे अपने फेवरेट मनमोहन क्या इश्के ममनून की तरफ आने देना। जब गोलगप्पे वाला लाओगे तो गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, अब चीखो नहीं, वो सारे दिन प्रेसिडेंसी हाउस में वहां ब्रिज ही खेली जाएगी। जब आप अपने मुलाजमों को ढूंढते हैं, जब अपने आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, मुझे तो डर है किस दिन अमेरिका आने से पहले प्रेसिडेंट लेने ही ना पहुंच जाए उनको, जी कि मैं आगे हूं। लेकिन आज तो उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी शेख साहब, दाग धो दिया उन्होंने तो बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी हुकूमत कशकोल तोड़ने का वादा लेकर आई थी, लेकिन कशकोल उनके हाथ में है। आज तो बड़ी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दी प्रेसिडेंट, हाथ में नहीं है, गले में है जी, आपके गले में है, मेरे गले में, उनके गले में क्या है जी। कहा तो सही ना उन्होंने, प्रेसिडेंट ने कहा तो सही ना। आप इसी देखें, मेरी गुजारिश सुने, जब अपने खास मुलाजमों को मुझे उन्होंने कहा जी आप वोट नहीं दिया, आपने उसको चीफ जस्टिस साहब को भी दिया, तरीके इंसाफ को, इनको भी नहीं दिया। मैंने कहा मुझे डेट से इतराज नहीं था, मैं समझता हूं इस कौम की तजहीक की जा रही है। देखिए ना, पहला सदर था वो वजीर आजम अपॉइंट करता था, उसने अपॉइंट किया गेलानी साहब, उसने अपॉइंट किया राजा साहब, राजा रेंटल को, और ये प्राइम मिनिस्टर आया जो सदर अपॉइंट करता है। इस मुल्क का एक हादसा हो तो तब है ना, चौधरी फजल लाई भुट्टो के दौर में सदर बना, या जो मैंने वेमेन यूनिवर्सिटी बनाई आज, ये पहले प्रेसिडेंसी थी, उसके बाहर कोई लिख गया चौधरी फजल लाई को रहा करो, अगले दिन कोई लिख गया हुक्म बजा लाते हैं। फिर एक तारड़ साहब को ये ले आए, अब वक्त आया तो तारड़ इनका इनमें कशिश नहीं थी, उन्होंने कहा तारड़ से भी गया हुआ तड़का लगाओ किसी को, जिसमें तरड़ ही ना हो, जो तरड़ ही ना हो जिसमें, और वो ऐसे ही लेटा हो कि दिन को भी लेटा हुआ ब्रिज खेलता नजर आए, ऐसा सदर इस मुल्क में ले आओ। ये खानदान है, मुगल शहनशाह है, सदर का रोल ही कोई नहीं है, जिसको चाहे लगा दें, क्या है इसमें, वो रोल ही कोई नहीं, प्रेसिडेंट का सब कुछ चला गया। अरे शेख साहब एक बात बताएं, आपने वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात शुरू की थी, उस पर आता हूं दोबारा। नवाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और मैं कोट करता हूं उनको, उन्होंने उनसे पूछा गया आर्मी चीफ कियानी साहब की रीअपॉइंटमेंट के बारे में एक्सटेंशन, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट सेइंग यस और नो, ऑफ कोर्स वी विल बी टेकिंग डिसीजन ऑन दिस इशू सून। तो कैसे तासुर मिलता है कि कियानी साहब जो है उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर अभी प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं वो एक साल और एक्सटेंड करें, कंटिन्यू करें, आपको लगता है ऐसा या नहीं, ऐसा नहीं होने वाला? बहुत हसास सवाल आप कर रहे हैं, और मुझ पर कौमी जिम्मेदारियां भी हैं, और रावलपिंडी के लोगों ने जो मुझे मुंतखब करके भेजा, मैं इतना भोला नहीं हूं। अब ये 7 अक्टूबर या 9 अक्टूबर को जब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जाएंगे, उनकी जगह जब नए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आएंगे, तो बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। लेकिन इस मुल्क की फौज रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान की बका की निशानी है, अल्लाह की मदद के बाद पाक फौज पाकिस्तानी फौज की सलामती का निशान है, उम्मीद है। जलजला आए इसकी तरफ लोग देखते हैं अल्लाह के बाद, सैलाब आए अल्लाह के बाद इसकी तरफ देखते हैं। लेकिन ये जमहूरियत के नीचे इतनी लेट गई है कि इसने अपना इमेज भी तबाह कर लिया है, और इन लोगों को इस कहने की जरूरत में भी नहीं है कि यार बस करो हमारे मुल्क को लूटने की एक हद से आगे ना बढ़ो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो वॉल स्ट्रीट में उन्होंने बयान दिया है, अगर कोई ऐसी मुल्क में किसी चीज का कहत नहीं है, जो अखबारों में 5 जर्नैलों के नाम आ रहे हैं, ये 19-20 खा हारून साहब हों, खा राशिद साहब हों, खा राहेल साहब हों, खा तारिक साहब हों, खा जहीरुल इस्लाम साहब हों, 5 ने कोरें भी किए हुए हैं, 5 ने अहम पोर्टफोलियो पे भी हैं, 5 एक्सीलेंट जर्नैल्स भी हैं। अब अगर नवाज शरीफ साहब की चॉइस है कि वो इसमें क्या अमल करते हैं, ये मैं कह चुका हूँ, उसी फिक्रे को पार्लिमानी जुबान में दोहराता हूँ, अच्छा फैसला करेंगे सुखी रहेंगे, गलत फैसला करेंगे दुखी होंगे। और ये फैसला करने की मैं समझता हूं, जहां इतनी सारी आपने ओहदों के नाम लिए हैं, जिन इतने हसास टाइम में जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री जिनके हवाले की है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तवानाई वाले आपस में लड़ रहे हैं। और कल परसों मैंने चोई निसार साहब से कहा, असेंबली में बहुत सारे एमएलए थे, मैंने कहा चोई साहब हाथ अब हल्का रखें, और मेरी बात सच साबित हुई, अभी चौधरी निसार साहब घर ही नहीं गए होंगे, परवेज रशीद साहब खुर्शीद शाह के कमरे में चले गए
कि उन्होंने जो कुछ कहा जी उसका ये, यानी कौम असम्बलियों की तरफ अगर इसलिए देख रही है कि ये इनके मसले हल करने जा रहे हैं, वो अपने मसले हल करने जा रहे हैं, उनको अपने मसलों की पड़ी हुई है, कौम के मसलों की नहीं पड़ी हुई। कोई ऐसा इशू असेंबली में, आज मैं चीखा नहीं, पता नहीं मेरा बुरा दिन था आज का, कि फैसलाबाद के तांदने वाला के बे पे 32 नंबर चाक की सड़क बारिश, यार ये बातें क्या चीको सलवाकिया की इतनी जबरदस्त सड़कें थी, क्या प्यांगयांग की सड़कों पे जहाज उतरते हैं, राइट क्या वो मुल्क इसी हालात में रहे, क्या रूस से बड़ी, उज़्बेकिस्तान से बड़ी, या इस सारे इलाकों से बड़ी बड़ी सड़कें चाहिए थी उन मुल्कों की, वो डूब गए माशी तबाही की वजह से। जो बलूचिस्तान में तूफान आया, जलजला आया, जिसमें ये नाहल साबित हो रहे हैं, उससे ज्यादा नाहली इसहाक डार की साबित हो रही है, और 100 दिन में साबित हो रही है। इनको इनको समझ ही नहीं आई, इनको पैसा चाहिए। ये बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिटिशियन है, ये बिजनेसमैन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन है। इन्होंने सोचा ही नहीं कि इसकी कौम कितनी बड़ी कीमत देने जाएगी। कौम जब आप रिजर्व बढ़ाने, जी रिजर्व बढ़ाने, आप ये तो नहीं कहेंगे वक्फा, नहीं वक्फा आएगा, आप बात कर लें कंप्लीट, फिर वक्फा लूंगा जी, कि रिजर्व बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कहा है, जो अपनी करेंसी डीवैल्यू करने के लिए कहा है, मैं इतना बड़ा इल्जाम लगाया आज असेंबली में मैंने कि भाई ये स्टेट बैंक ने थर्ड पार्टी से डॉलर इकट्ठे करने की मुहिम चलाई है, और लोगों ने समझा कि पता नहीं क्या होने लगा, एक क्यामत आई है। इनको एहसास नहीं है कि इसका क्या बनेगा, इनको एहसास नहीं है कि गरीब आदमी किस तरह, जिस आदमी ने वोट दिया है, सबसे ज्यादा तंग बिजनेसमैन जिसने नवाज शरीफ साहब को वोट दिया है, उसका हशर नशर हो जाएगा। फसाद हो रहा है, सौदा हुआ है, जब यन जो आरएमबी जो है चाइनीज जो है वो 16 रुपए की थी, अब आरएमबी 19 रुपए की हो गई है, वो माल कहां से ला के देगा इनको, जो जो बिजनेस कम्युनिटी, ठीक है ये आपका पॉइंट आ गया शेख साहब, और ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटी है वो खुद भी देख सकती है इन तमाम मामलों को, लेकिन हमें पता है कि मियां नवाज साहब की हुकूमत जो है और उसमें सबसे स्ट्रांग जो है वोटर वो बिजनेस कम्युनिटी का ही रहा है, तो वो स्टेक होल्डर भी हैं, और मियां साहब को ऑब्वियसली पता भी होगा इस चीज़ का, क्योंकि करना क्या है कॉन्सेशन के जमीन में। एक ब्रेक लेंगे, उससे वापस आएंगे, शेख साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम बैक, और नवाज शरीफ साहब जो है वो ऑब्वियसली खिताब कर रहे हैं जनरल असेंबली से, और हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। शेख साहब, ये तो जनरल असेंबली का इजलास है, इसमें तो ऑब्वियसली बातें होती रहती हैं, कॉस्मेटिक भी होती हैं, नॉन कॉस्मेटिक भी होती हैं, लेकिन आगे भी बड़ा अहम दौरा आ रहा है प्राइम मिनिस्टर का, अमेरिका का दौरा, कोई एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान को, मतलब ट्रेड की जाएगी उनसे, कोई ड्रोन्स पर बात की जाएगी, आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला? कोई ड्रोन नहीं रुकने, कोई ड्रोन नहीं रुकने, और ये ऐसी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज तक जितने पहले जो मुशर्रफ का दौर था उसमें भी ड्रोन कम से कम वो मास्टर प्रिंट देखते थे कि आपने क्या करने जाना है। इन्होंने फ्री विंडो खोली हुई है, जो मर्जी करो आओ और मार के चले जाओ। बाकी हम सारे हैं अंजमन इमदाद स्ताशे बामी कहने वाले, खबरदार अंदर से आंख का इशारा, जो गिलानी साहब की बात बड़ी मशहूर हुई, उन्होंने कहा हम कहते रहेंगे और वो छपी भी सारी दुनिया में, आप मारते रहें फिर हम भी मरते रहेंगे, गरीब भी मरते हैं, बड़े आदमी तो बैंकरों में होते हैं, खुदा ना करे कि ये लहर जो है बड़े आदमियों तक पहुंचे और इस मुल्क में एक नया फसाद खड़ा हो जाए। मैं इस मुल्क की सियासी ज़िंदगी में सबसे बुरा वक्त ये वक्त देख रहा हूँ, और इस मुल्क में मौजूदा हुकूमत की असल हुकूमत शुरू होनी है, जब चीफ का इन्होंने फैसला करना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी, और चीफ जस्टिस देनी है या चीफ जस्टिस साहब को भी। तो ये पहली जनवरी 2014 से नवाज शरीफ साहब को पता लगेगा कि वो किस पैराए में लोगों को लेके जा रहे हैं। जस्टिस को एक्सटेंशन मिल सकती है मतदा में, मैं जी एक्सटेंशन मिल सकती है चीफ जस्टिस साहब को या नहीं? चीफ जस्टिस साहब के तो 14-16 महीने का केस ये हुकूमत तो कभी नहीं देगी, ये कोई हुकूमत भी नहीं देगी, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है उसकी नजर जो है वो लोगों की के मसाइल पर है, और वो सोए मोटिव एक्शन लेकर वो लोगों की दादरसी करते हैं। लेकिन उनका जो एक्सटेंशन का केस है, जो नज़रबंदी रहे हैं, उनका फैसला क्या होता है उसका नहीं मुझे पता, लेकिन हुकूमत से अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक्सटेंशन देंगे तो ये इतने भोले नहीं हैं, इनको समझ है। और जो यूनाइटेड नेशन में ना ये पहली दफ़ा तकरीर कर रहे हैं, मसाइल के हल की बात है, ना ये पहली दफ़ा कोई आदमी मनमोहन सिंह से या इंडियन के प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट से मिलने जा रहा है, बात यह है कि किसी ने
भुट्टो और सूरन सिंह के मसाइल और बातचीत से हल नहीं निकला। शेख साहब आपने भी बात की है ना, वो अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज चली है कि नवाज शरीफ साहब ने मुतालबा कर दिया अमेरिका से ड्रोन हमले बंद करने का, जनरल असेंबली में खिताब करते अभी अभी। तो वो पहले दिन से कर रहे हैं, हर हुक्मरान कर रहा है, क्या उसने बंद कर देने हैं? क्या उन्होंने जिक्र नहीं किया कि क्रिश्चियंस के साथ चर्चों में क्या हो रहा है? देखें, अमेरिका अभी अफगानिस्तान से नहीं जा रहा। नवंबर में सरताज अजीज ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नवंबर में नया वायदा होगा 15,000 से 25,000 फौजों के क्याम का। अच्छा। और जब वो ये लोग वहां रहेंगे, मैं ये मुल्क जो फॉरन ऑफिस को देख रहे हैं और मेरी इतला भी है, लोग 10 से 25 कह रहे हैं, उन्होंने 15,000 से 25,000 फौज और मुख्तलिफ कैंप रखने का है। फिर ये आग बंद नहीं हो रही, ये आग खत्म नहीं हो रही, ये आग थोड़ी बहुत चिंगारी सुलगती रहेगी और दुआ करें ये चिंगारी किसी शोला या ज्वाला में ना बदल जाए और कोई बड़े हादसे से कौम और मुल्क दोचार ना हो जाए। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, ये लोग बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, इसी दुआ पे खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को। वैसे पाकिस्तान का हालात बहुत खराब है ऑब्वियसली, और पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान की फौज जो है वो इस वक्त उस दौराहे पे खड़ी है जहाँ पर अमन की तलाश है, लेकिन दहशतगर्दी और बारूद जो है और इंसानी लाशें हर जगह पर हैं। पाकिस्तान बड़े क्रिटिकल स्टेज में है, दुआगो हैं हम तमाम पाकिस्तानियों की तरह। और आज का जो बॉम्ब ब्लास्ट है काबिले मजम्मत है जो पिशावर में हुआ, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि रूटीन बनती जा रही है कई सालों से अब तो पाकिस्तान में आम लोगों की इस तरह शहादतें होना। आज के प्रोग्राम में कल हम आपको उर्दू के असर हाजिर के बहुत बड़े शायर से मिलवाने जा रहे हैं। उनकी आवाज़ जो है जब वो बोलते हैं तो उसका रस जो है उससे सहर तारी हो जाता है लोगों के जहान पे। गुलजार साहब उनकी एक झलक देखिए, कल उनसे मिलिए और उनको सुनिए एक्सक्लूसिवली इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। कल गुलजार साहब के साथ आपसे मुलाकात हो। मिलिए गुलजार से कामरान शाहिद के साथ हफ्ता रात 8:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर।